नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हियर आई एम विद यू विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर हिस्ट्री मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। हियर ऑन दिस पेज जस्ट फॉर रीडिंग, नथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज सिल्क रूट, ओनली द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नाउ फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड एंड पोटैटो, इसका क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। हाउ फूड ऑफर्स द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल, हाउ फूड प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। और ये मैंने यहां तक आपका आंसर है, इसमें से आप अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्केस्ट डिजीज एंड ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट मैंने अंडरलाइन किया है जो आपको रीड करना है ये। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट बट डिजीजेस, ये लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आ सकती है। तो उसमें आप ये बताएंगे जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, दैट हाउ मीन्स डिजीजेस दे हेल्प द कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर द एरिया, कि डिजीजेस ने कैसे हेल्प करा इन्वेट करने में। आप देखिए, गन्स तो हटाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार डिजीजेस स्प्रेड हो गए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यू कैन टेक इट एज कि आप इसको लर्न कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स। जितने भी अभी तक क्वेश्चन मैंने दिए हैं, सिल्क रूट 1 मार्क एंड अदरवाइज 3 मार्क्स। एंड नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी इज टेकिंग प्लेस एंड ये हाउ व्हाट वर कॉर्न लॉज, कॉर्न लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। कॉर्न लॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। देन व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज, ये पैराग्राफ है जहां पे मैंने ये एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज के ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि ये सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस, कि इंडिया में क्या चेंजेस आई थी विद द कमिंग ऑफ दीज कॉलोनाइजर्स, व्हाट वर द चेंजेस। कैनाल कॉलोनीज क्या होती हैं, तो कैनाल कॉलोनीज आपको 1 मार्क में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट what was the role of technology in conquering the world by colonizers, ki ye technology ka role kya tha isme, aap ye the trade in milk meat ka example denge, to kaise meat jo hai wo ek expensive luxury se poor people tak pahuncha, wo because of technology, ki kaise animals ko slaughter karke aur wo unko pieces mein kaat kar fir unko band karke rakhte the ye like that। and next is about ये इतना important नहीं है इसमें। next आ जाता है आपका रिंडरपेस्ट, this is very important topic, ये पूरा topic बहुत important है long questions के लिए, कि ये disease means how Britishers they made the situation, how they force Africans to work in the under their control, how Africans were forced by Britishers to work on their plantation field। Africans जो है वो नहीं काम करते थे, वो उनके इधर इधर काम नहीं करते थे उनकी फील्ड्स में, लेकिन कैसे उनकी जमीनें छीन के उनके कैटल्स वगैरह को ये डिजीज के थ्रू मार कर, और उन्होंने फोर्स किया कि Africans जो है वो उनके अंडर नौकरी करें। देन इंडेंजर्ड लेबर, वन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडेंजर्ड लेबर क्या होती है और इनसे कैसे काम कराया इन लोगों ने। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स कौन सी थी, ये आप देखिए, ये मॉरिशियस एंड फिजी, ये आज भी काफी इंडियंस हैं यहाँ पे। एंड हाउ रिक्रूटमेंट दे वर डन, हाउ रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय दीज एजेंट्स, कैसे रिक्रूटमेंट होती थी उनसे, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन ये 1 मार्क में बहुत आता है, कार्निवल कॉल्ड होसे, बहुत आता है आपको, कई उसमें मिलेगा ये 1 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट में काफी आता है ये। चटनी म्यूजिक,
मतलब रीमिक्स जिसे आप कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेंजर लेबर का, एंड ये नोबल प्राइज विनर राइटर V.S. नायपॉल, 1 मार्क के लिए। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 मार्क के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड ये आपका नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन एंटरप्रेनर्स अब्रॉड, कि इंडियन एंटरप्रेनर्स जो है, ये बैंकर्स, ये कौन थे, ये इनके बारे में, दैट हुअर इंडियन, शॉर्ट मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दैट हाउ इंडियन ट्रेड सफर ड्यू टू कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, इंडियन ट्रेड कैसे सफर किया, ये इसके बारे में है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग ये पूरा टॉपिक, और मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, आपको हाईलाइट करने से आपके लिए काफी इजी रहता है कि आप उसके नोट्स वगैरह आप बना लें। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से आपको जो है जो करना है, दैट व्हाट वर द, देखिए ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टू पार्टीज, ये देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। देन द इम्पोर्टेंस दिस वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउ वॉज इट डिफरेंट, दिस वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे डिफरेंट था, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही है ये। एंड नेक्स्ट इज दैट ड्यूरिंग वॉर इंडस्ट्रीज दे वर, हाउ इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग वॉर, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज जो है वो, उनको कैसे, हाउ दे वर रीस्ट्रक्चर्ड ये। देन पोस्ट वॉर रिकवरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 3.3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन द US, रिकवरी बहुत क्विक थी ये, इसमें US का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेनरी फोर्ड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हेनरी फोर्ड की कार, ये सारा टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ शॉर्ट नोट ऑन विच वर द फैक्टर्स विच रिजल्टेड इन ग्रेट डिप्रेशन, ये देखिए मैंने फर्स्ट सेकेंड और सब्सिक्वेंटली मैंने ये फैक्टर्स जो है वो मार्क करे हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। व्हाट वर द फैक्टर्स विच रिजल्टेड इन ग्रेट डिप्रेशन। देन नेक्स्ट इज अबाउट, ये आपका आ जाता है रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अ मियर 2 डेकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंड वॉट वर द इफेक्ट्स, ये देखिए ये इफेक्ट्स, इसके मैंने अलग से आपके लिए ये लिखा हुआ है, ये इफेक्ट्स हैं इसके, दैट वॉट वर द इफेक्ट्स। एंड ब्रिटन वुड, दिस ब्रिटन वुड सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास प्रोडक्शन प्लस मास कंजप्शन, हाई इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने ऐसे शॉर्ट में पॉइंट बनाए हैं। इकोनॉमिस्ट विच वर द टू लेसन इकोनॉमिस्ट लर्न फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, जैसे कोविड से क्या लेसन लर्न किया, इस तरीके से इंटर वॉर इकोनॉमिक्स एंड ब्रिटन वुड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, द मीन्स इट इज वेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, लार्ज पार्ट जो है वर्ल्ड का वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल, तो नेक्स्ट 2 डेकेड्स मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका वो फ्री हो गई थी। एंड IMF, वर्ल्ड बैंक ने कैसे उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, पर मैं आपको ये समझा रही हूँ, दैट IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो उनको डिजाइन किया गया कि उन्हें फाइनेंशियल उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इनको डिजाइन किया गया, पर इसका क्या इफेक्ट था, वो नियो जो है ये, आप G77, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन एंड ऑफ ब्रिटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पहला वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिबरलाइजेशन जिसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको समझाया, बीच में कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े भी हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन चेक ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड प्लीज
फॉर एनी प्रॉब्लम राइट इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब करिए चैनल, व्यू करिए पूरी वीडियो, एंड जो भी प्रॉब्लम आपको हिस्ट्री में हो प्लीज मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली नहीं समझ में आता तब आपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा प्लीज, एंड प्लीज हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू स्टूडेंट.